हेलो स्टूडेंट्स, जस्ट एज यू ऑल नो, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 1 एसेट स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी। टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, वो हमने इम्पोर्टेंट वो चीज देखी थी। सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आइदर इन अ रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, आ सेकंड वे था, दैट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं जो भी सेट में कंटेन करते हैं वो, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, दैट मीन्स सेट में जो भी नंबर्स आ रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स है, वो एक जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पजिस करते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जस्ट आज ही मैंने थोड़े वो रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जाम्पल्स आपके एक्सरसाइज 1.1 के कुछ लिए हैं, वो मैं जिस कुछ दिखा रहा हूं जिससे आपको उसका कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। इसके लिए जस्ट ले रहा हूं, जस्ट वी विल सी क्विकली ऑल दिस एग्जांपल्स, ओके। नाउ हम यहां पे शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट है थर्ड एग्जांपल आपका एक्सरसाइज 1.1 का, या रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन डू, बाकी सब जो एक्सरसाइज 1.1 में, इट्स नॉट डिफिकल्ट वन। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म यानी कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस की गई है, जो भी ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स हमको लिस्ट करने हैं, ओके। फर्स्ट है ए, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इसको इस तरह से रीड किया जाता है, ये जो ब्रेसेस है ना उसको हम द सेट ऑफ ऑल एक्स कॉलन को सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, दैट मीन्स यहाँ पे हमको ऐसे सारे एक्स लिस्ट करने हैं जो इंटीजर है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ऐसे इंटीजर जो -3 से बड़े और 7 से छोटे, -3 और 7 के बिटवीन जो भी इंटीजर्स आ रहे हैं वो, तो यस -3 और 7 के बीच में इंटीजर्स जो आएंगे, वी आर ऑल अवेयर ऑफ द नंबर लाइन। नंबर लाइन मिस्टर 0, 1, 2, 3, इट्स लाइक दिस -1, -2, ये -∞ और प्लस इन्फिनिटी, ये सारे इंटीजर्स है, ओके। नाउ -3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो यस -3 से बड़ा, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में, लेट अस से यहां तक 7 आया, ओके okay? तो -3 से बड़ा और 7 से छोटा जो इंटीजर्स होंगे वो सारे इसमें लिस्ट होंगे। तो यहां पे a इज इक्वल्स टू यस सारे नंबर्स जो इन दोनों के बीच में जो इंटीजर्स है वो, तो यस ये -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ये चीज हो गया, ये आपका रोस्टर रिप्रेजेंटेशन, ओके। सिंपल चीजें हैं, ये इसमें कोई डिफरेंस, आपने ये सारी चीजें आगे आप ये पढ़ भी चुके हो, ओके। तो स्टिल कोई कंफ्यूजन ना रहा है, इसलिए मैं थोड़े बहुत एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ, ओके। नाउ नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो पढ़ गए। सी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट X is a two digit natural number such that the sum of its digits is 8. यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये ध्यान रखना है, हमको ऐसे X वो टू डिजिट नंबर, दैट मीन्स टू डिजिट वाला नंबर है, उसमें सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, दैट मीन्स ऐसे दो डिजिट वाले नंबर जिनके डिजिट का सम 8 होता है, ओके। तो एक्चुअली हम टू डिजिट वाले नंबर्स यानी कहां से बिगिन करेंगे, 10 से लेके 99 तक, ये सारे हुए हमारे टू डिजिट नंबर्स। लेकिन सारे टू डिजिट नंबर्स नहीं लिखने हैं, इन 10 से लेके 99 तक के जो टू डिजिट नंबर्स बन रहे उसमें से जिस नंबर के डिजिट्स का एडिशन 8 हो रहा है वही डिजिट्स हमको लिखना है। तो यस यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे सी इज इक्वल्स टू यस 10 से लेके बिगिन करेंगे, यहाँ पे 08 इज नॉट अ टू डिजिट नंबर, इट्स अ सिंगल डिजिट नंबर, सो वो कंसिडर होगा नहीं, ओके। क्योंकि आगे 8 के आगे 0 प्रिसीड करता है, इट डजंट कंटेन एनी वैल्यू, वो सिंगल डिजिट नंबर हो गया, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट ऐसा नंबर आएगा 17, इज 1+7 टू डिजिट नंबर, 1+7 8, फिर 2, 6, 26, 35, 40, 4, 53, 62, 71, 80, इसके आगे
90 वाले आ गए, यस वो कोई होगा नहीं, यस ये 80 टू डिजिट नंबर है बट 0 इट इज नॉट अ टू डिजिट नंबर, सो दिस आर द थिंग्स, ये सारी चीजें हैं जिनका एडिशन वो 8 है, ये सबको आप करोगे ऐड करोगे 8 होगा, सो दिस आर द थिंग्स, ये इस तरह से ये एग्जांपल हमको करना है, ये इस तरह से रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है, ओके जस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक दी है उसको हमको प्रॉपर्टी जो दी है उसको हमको समझ के उस हिसाब से हमको यहाँ पे एलिमेंट्स लिखने हैं और सारे एलिमेंट्स जो पॉसिबल है वो सारे यहाँ पे लिखने हैं, ओके नाउ नेक्स्ट इज डी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, लेकिन यहाँ पे हमको एक्स यानी सब ऐसे एक्स लिस्ट करने हैं जो 60 के डिवाइजर है और प्राइम नंबर है, ये दोनों कंडीशन, इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, दैट मीन 60 को हम कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ओके तो यस पहले लिस्ट बनाएंगे, उसमें से जो भी नंबर्स प्राइम होंगे वो इसमें इंक्लूड होंगे, तो यस डिवाइजर ऑफ 60, यस डिवाइजर ऑफ 60, यस 60 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 3 से कर सकते हैं, 4 से 5 से 6 से, ओके नाउ अगेन फिर 10 से 12 से 15 से देन 20 से और 30 से और 60 से, इतने नंबर से हम 60 को डिवाइड कर सकते हैं, दिस आर ऑल डिवाइजर ऑफ 60, ओके लेकिन प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर, लेकिन इसमें से अब जो प्राइम नंबर से वही हमको लिस्ट करने है, सारे डिवाइजर हमको लिस्ट नहीं करने, सो यहाँ पे ये चीज बी केयरफुल अबाउट दिस, है सिंपल चीजें या कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट पढ़ने में वी शुड बी केयरफुल कि वहां पे क्या क्या कंडीशन दी है उस हिसाब से हमको उसके एलिमेंट्स लिखने होंगे, तो यहाँ पे डी में जो लिस्ट बनेगा वो यस इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से है, तो यहाँ पे 2, 3, 5 एनीथिंग एल्स, और कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 2, 3, 5 ये सेट पे कंटेंट करें, ये सारे नंबर 60 के डिवाइजर है बट ऑल आर नॉट प्राइम, आउट ऑफ ऑल दिस नंबर्स ओनली 2, 3 एंड 5 आर प्राइम नंबर्स, सो हमको डी वही सेट है कि प्राइम डिवाइजर ऑफ 60, ये चीज हमको लिखनी है, सो ये तीन एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, इस तरह से ये लिखना है, ओके नेक्स्ट हम देखते हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है वो राइट फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ओके सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे लेट मीन यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में सब एलिमेंट्स दे दिए, उस एलिमेंट्स को हमको एक जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगी उसमें हमको एक्सप्रेस करना है, ओके तो यहाँ पे फर्स्ट जो है सेट उसमें हमको नंबर्स लिखे हुए हैं 3, 6, 9 एंड 12, यस इन सबके बीच में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या, तो एक्चुअली ये सारे 3 के मल्टीपल्स है, 3 1s are 3 2s are 3 3s are 3 4s are, यही चीज है, ओके सो इट्स अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मल्टीपल ऑफ 3 ओनली बट और सब पॉजिटिव है, ओके दैट मींस नेचुरल नंबर होने चाहिए, सो यहाँ पे और लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहे 12 पे रेस्ट्रिक्ट हो रहे, तो वो भी कंडीशन हमको इंक्लूड करनी पड़ेगी क्योंकि 12 के आगे वैसे तो आगे 15, 18 वगैरह आएंगे, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है तो इसको यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तो इसको जनरली हम किस लेट अस से इसको हम सेट ए बोलेंगे, ए इज एक्स, यहाँ पे ये 3 के मल्टीपल है तो यू कैन राइट लाइक दिस एक्स इज इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 4, यस यहाँ पे ऐसे x जो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं जहां पे n वो कोई नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर कैसे है तो कि 4 या 4 से कम, तो यहाँ 4 या 4 से कम नेचुरल नंबर दैट इज 1, 2, 3, 4, तो n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो 3 मिलेगा, 2 लेंगे तो 6, 3 लेंगे तो 9 और 4 तो 12, इस तरह से, और इसको आप दूसरे और दूसरे तरीके से भी यस सेट बिल्डर फॉर्म में एक से या ज्यादा तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हो और a इज इक्वल्स टू x वेयर x इज अ x बिलोंग्स टू n एंड x इज
multiple of 3 where x is less than equals to 12. ये चीज आप इस तरह से भी लिख सकते हो, x belongs to n, x वो natural number है, x वो 3 का multiple है, कैसा number है कि जो less than equals to 12, means 12 और से छोटे number वाला natural number जो 3 का multiple है, yes, इस तरह से भी आप इसको represent कर सकते हो, okay, यहाँ पे ये चीज है, x belongs to n, यहाँ पे आगे लिखा, यहाँ तो आपने पीछे लिखा, there is no problem, वो आप पीछे लिख, लेकिन वो अंदर incorporate होनी चाहिए और कुछ नहीं, ये चीजों का हमको ध्यान रखना है, ओके, that's a characteristic, ओके, सेम में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो उसमें जो नंबर्स मेंशन किए हुए हैं 2, 4, 8, 16 and 32, तो इन सब के बीच में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे 2, 4, 8, 16, 32, दैट मीन्स 2 इज नथिंग बट 2 raised to 1, 4 दैट इज 2 raised to 2, 8 2 raised to 3, 2 raised to 4 एंड 2 raised to 5, यही चीजें हैं, तो यहाँ पे यस यही चीजें हैं, इसको हमको एक कॉमन प्रॉपर्टी के तौर पर उसको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे इसको हम लेट अस से सेट बी बोलते हैं, और यहाँ पे एक्स लिया वाई लो, एक्स लोगे वाई लोगे ए बी सी लोगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक एनी स्मॉल मींस कैपिटल स्मॉल लेटर्स ऑफ एबीसीडी, देयर इज नो प्रॉब्लम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पे जस्ट वाई वेयर y is equals to 2 raised to n n n को चलेगा, n belongs to n n n is less than equals to 5, okay, तो यहां पे इसको अगर रीड करना है तो b is a set of all y such that y is equals to 2 raised to n where n belongs to n and n is less than equals to 5, स्मॉल n वो कोई नेचुरल नंबर है, वो कैसा है 5 या 5 से कम है, 5 या 5 से कम नेचुरल नंबर यानी 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 2 raised to 1 2 आएगा, n is equals to 1 लोगे तो n is equals to 2 लोगे तो 2 square, जैसे इस तरह से सारे नंबर्स आपके रिप्रेजेंट हो जाएंगे, ओके, जस्ट ये इसीलिए मैंने लिया है कि जस्ट कोई भी थोड़ा स्लाइड कंफ्यूजन हो तो ये चीज हम यहाँ पे रेक्टिफाई कर पाए, इसलिए मैंने जस्ट लिया है, और ऐसे एक 2-3 एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, देन वी विल मूव ऑन, हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, ओके, यस स्टूडेंट्स, मैंने और कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, जस्ट क्विकली देख लेते हैं और जन जस्ट आगे फिर पढ़ते हैं, ओके, यहाँ पे आगे का कंटिन्यूएशन है, ये जो हमने देखा था दैट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, उसी तरह का यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये सेट है 2, 4, 6, ……, दैट मीन्स ये इनफाइनाइट, आगे बहुत सारे नंबर्स है, ओके, ना यहाँ पे ये ऑब्जर्व इसकी हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, दैट मीन्स इन सब एलिमेंट्स की एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हमको लिखना है, ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2, 4, 6 और आगे बढ़ते हैं, मीन्स 8, 10 वगैरह आएंगे, ये पैटर्न आगे बढ़ेगी, दैट मीन्स ये कुछ क्या है, तो दिस आर नथिंग बट इवन नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स है, इवन नेचुरल नंबर्स और कुछ नहीं है, तो यस यही हमको प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखनी है, लेट अस से हम इसको सेट सी बोलेंगे, तो एक्स वेयर एक्स इज अ एन इवन नेचुरल नंबर, ओके, नाउ यहाँ पे एन बिलोंग्स टू एन वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और सारे इवन नंबर्स, दैट मीन सारे नेचुरल इवन नंबर्स से सब कुछ अंदर आ गया, और कुछ मेंशन करने की जरूरत यहाँ पे है ही नहीं, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, दैट्स इट, इतना चीज आ गया, सो सारे नंबर्स इसमें आ गए, नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है उस समय से, या 2, 4, 6 इसमें आ रहे, सारे चीज यहाँ पे आ गई, और इसको दूसरे तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सी इज इक्वल्स टू एक्स वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 2n n belongs to n, that's it, यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यस यू कैन जस्ट 1 लोगे तो 2, n is equals to 1 लोगे तो 2, 2 तो 4, 3 तो 6 इस तरह से, यस 4 आगे सारे आपको नेचुरल नंबर्स, सो इस तरह से ये स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करना है, इट्स अ सेट बिल्डर फॉर्म, ओके, नाउ लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्चुअली रोस्टर फॉर्म ही है, रोस्टर फॉर्म का यहाँ पे हमको जस्ट यहाँ पे एलिमेंट्स
लिस्ट करने को बोला है, दैट इज ऑल द सारे एलिमेंट्स किस में लिस्ट होते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में। तो ये एक्चुअली इनडायरेक्टली रोस्टर फॉर्म का ही रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं ये सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर माइनस वन बाय टू लेस एक्स देन एक्स लेस देन नाइन बाय टू। यहाँ पे इस सेट में सारे इंटीजर्स आएंगे, लेकिन कैसे इंटीजर आएंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट मीन्स माइनस वन बाय टू और नाइन बाय टू के बीच में जो इंटीजर्स है वो सारे इंटीजर्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे। ओके, ओनली इंटीजर्स। ओके, और यहाँ पे इंटीजर्स बोला है तो इट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ऑल पॉसिबल जो भी आएंगे वो। तो यहाँ पे ये चीजें होंगी, तो यहाँ पे जस्ट हम स्ट्रेट अवे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और यहाँ पे प्लस इंफिनिटी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये माइनस इन्फिनिटी। नाउ किन दो नंबर के बीच में माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू कहाँ आएगा, तो ये जीरो और माइनस वन के बीच में माइनस वन बाय टू। ओके, नाइन एंड हाफ दैट इज अ फोर पॉइंट फाइव, दैट मीन्स वो फोर और फाइव के बीच में, सो दैट मीन्स ये होगा नाइन बाय टू। यस, इन दोनों के बीच में जो इंटीजर्स है वो इंटीजर्स हमको लिखने हैं। यस, कौन कौन से इंटीजर्स है, जीरो वन टू थ्री फोर, दैट्स इट, ये चीज हमको करनी है। सो यहाँ पे बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे जीरो वन टू थ्री एंड फोर, इस तरह से ये चीज हो गई। यस, लास्ट वाला देख लेते हैं। एफ इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, जो सर लैंग्वेज बोल रहे हैं उस तरह से ही आपको प्रैक्टिस भी करनी है। F is a set of all x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k. That means k से पहले जो भी अल्फाबेट से उस अल्फाबेट में जो कॉन्सोनेंट से उसका लिस्ट। Now you all are aware of ABCD. ABCD में just पांच वोवल से A E I O U, बाकी के जो है कॉन्सोनेंट यहाँ पे k से प्रिसीड, k से पहले जो भी कॉन्सोनेंट आ रहे वो सारे कॉन्सोनेंट हमको लिखने हैं। तो यहाँ पे F is equals to yes. B A is a vowel, C C D E नहीं आएगा, F G H I नहीं आएगा, J okay उसके बाद K. K से पहले जो आते वही लिखना है, that means K भी यहाँ पे include नहीं होगा। K से पहले जो भी consonant से alphabet में वो हमको list करना है। Yes, वही चीज मैंने लिखी है। Okay, so just राइट डाउन क्विकली, हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल जस्ट लर्न सम बेसिक टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के डिफरेंट टाइप्स हम देखेंगे। बेसिक जो है जो इन जनरल हम यूज करने वाले हैं वो है, या इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता भी होगी, यू मस्ट हैव लर्न इन द अर्लियर क्लासेस ऑल्सो, बट यहाँ पे हमारे सिलेबस में आ रहे हैं तो हम जस्ट वो मेंशन करते हुए जाएंगे और देखते हुए जाएंगे। इसमें फर्स्ट है द एम्प्टी सेट। ओके, you all are aware that the set which does not contain any element is called an empty set. That means aisa set jisme koi element hai hi nahi usko empty set kaha jata hai, usko dusre naam se null set ya void set bhi kaha jata hai. So it's a simple cheez, main likh raha hu definition, the set which does not contain any element is called the empty set or the null set or the void सेट, तीनों इसके नाम है। एंड द सिंबल यहां पे एन एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय, यस ब्रेसेस बनाना है, बीच में कुछ नहीं लिखना है, और जो कॉमनली हम यूज करते हैं दैट इज अ फाइव सेट। ओके, सो ये एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन है। हम वी विल सी एम्प्टी सेट कैसे होंगे, वी सी जस्ट एग्जांपल्स देखते हैं। इस तरह से लेट हम यहाँ पे ले रहे हैं, लेट सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स वेयर
x belongs to n, n 1 less than x less than 2. Yes, यहाँ पे देखना है. Here I have written set of all, A is a set of all x such that x belongs to n, that is x natural number है और वो 1 और 2 के बीच का natural number है. Yes, 1 और 2 के बीच का कोई natural number possible नहीं है. Okay, so यहाँ पे ये null set होगा, so it is nothing but we can write like this, like only braces or five, it's a null set. Okay, ये चीज होगा. अगेन इसमें और एक एग्जांपल ले लेते हैं. जस्ट सेकंड, लेट बी इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस फोर एक्स बिलोंग्स टू आर. यहां पे हम देखेंगे तो बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस फोर एंड एक्स बिलोंग्स टू आर. That means x वो कोई रियल नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. ना हमको बताए किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, पॉजिटिव होना चाहिए. नेगेटिव वो आएगा नहीं. दैट मीन्स अगर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकल पाएगा नहीं. तो यहाँ पे यस, ये स्टेटमेंट ये भी एम्प्टी स्टेट होगा क्योंकि किसी भी रियल नंबर के लिए ये पॉसिबल नहीं बनेगा. बिकॉज फॉर ऑल रियल नंबर्स the square is always greater than or equals to 0, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए. यहाँ पे x square is equals to minus 4 लिखा है जो पॉसिबल नहीं है. ओके, यहाँ पे लिख सकते हो आप, वी नो दैट 4 एनी रियल नंबर स्क्वायर ऑफ दैट नंबर is always greater than or equal to 0, therefore 4 x belongs to R, x square is equals to minus 4, it is not possible. हमको ऐसा कोई एक्स मिलेगा नहीं. देयरफॉर वी कैन राइट बी इज अ नॉन सेट फॉर दिस क्लास. ओके, सो दिस आर द एग्जांपल जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है वो नॉन सेट कहा जाएगा, एम्प्टी सेट कहा जाएगा. ओके, नाउ वी विल नेक्स्ट मूव. हम दूसरे एक तो एग्जांपल देख रहे हैं, सॉरी बेसिक टाइप्स ऑफ सेट देख रहे, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट थिंग ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हमको पढ़ना है तो उसके लिए तो थोड़े बहुत हम एग्जांपल ले लेते हैं. ओके, नाउ यहाँ पे मैं जस्ट दो तीन स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ. जस्ट पहला तो यही चीज लिखता हूँ, ये चीज. ओके, हमने जो एरिया लेट ए इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन, एन 1 लेस देन एक्स लेस देन 2. ओके, नाउ ओके, दूसरा मैं एक एग्जांपल मैं लेता हूं इस तरह से. बी इज इक्वल्स टू वाई, वाई इज इक्वल्स टू टू एन, एन बिलोंग्स टू एन, एन एन इज लेस देन इक्वल्स टू 10. सी लेट अस जेड, वेयर जेड is the population of male person in India. Okay, D मैं लिख रहा हूं यहां पे. Y is equals to, Y is equals to, again मैं repeat कर रहा हूं, N belongs to F. या कितनी चीजें मैं लिखता हूं. Now अब इन सारी चीजों में हम देखेंगे तो यस, वी हैव ऑब्वियसली लर्न दैट ए वो 5, दैट मीन्स इसमें कोई एलिमेंट नहीं, दैट वी आर श्योर अबाउट, इसमें कोई एलिमेंट आएगा नहीं. सेकंड देखेंगे तो यस, यहाँ पे y, y इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n, n इज लेस देन इक्वल टू 10,
दैट मीन्स यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, तो यस यहाँ पे 2, 4, 6 अप टू 20, दैट मीन्स 10 एलिमेंट्स आएंगे. थर्ड में जो देख रहा हूं, जेड इज द पॉपुलेशन ऑफ मेल पर्सन्स इन इंडिया. ओके, जो मेल है वो इंडिया में उसकी पॉपुलेशन कितनी है वो यहाँ पे लिखनी है. तो यस यहाँ पे भी ये एक्चुअली काउंट वो बहुत बड़ा होगा, लेकिन वी मस्ट हैव सम नंबर, एक नंबर तो इन टर्म्स ऑफ करोड़, लेकिन एक नंबर तो हमको मिलेगा ही. ओके, और सिमिलरली मैं फोर्थ लिख रहा हूं, यस वाई, वेयर वाई इज इक्वल्स टू 2n, n बिलोंग्स टू n. तो दैट मीन्स यहाँ पे कौन कौन से नंबर आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, यस वहां पे रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते हुए जाएंगे. 1200 लिखोगे 102, 1000 लिखोगे 1002, इस तरह से नंबर आगे बढ़ते ही जाएंगे. तो यस यही चीज है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में डिस्टिंग्विश करते ये. ओके, हम यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट ए बी सी इन तीन सेट के लिए वी आर श्योर अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट. दैट मीन्स हमको पता है कि यस ए में एक भी एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स जीरो एलिमेंट है. बी में यस 10 एलिमेंट्स है. सी मस्ट बी अ वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़ा, लेकिन वी नो दैट के इतने नंबर्स होंगे. बट अबाउट डी वी आर नॉट श्योर अबाउट द नंबर, दैट मीन्स ये बढ़ते ही जाएंगे, इसका कोई एंड होगा ही नहीं कि इसमें इतने एलिमेंट्स होंगे वो हम बता पाएंगे नहीं. सो दीज आर द थिंग्स, द एन एम्प्टी सेट और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर नोन इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, और जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट. दैट मीन्स यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो नल सेट है वो भी फाइनाइट, बिकॉज वी आर श्योर अबाउट द नंबर्स. ओके, सो यहाँ पे ये चीज हम लिख सकते हैं जो सेट डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंसिस्ट करता है. ओके, द सेट कंसिस्ट ऑफ डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, एंड द सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट. जो फाइनाइट नहीं है वो बाकी सब इनफाइनाइट हो जाएंगे. ओके, सो दीज आर द थिंग्स, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल के ऊपर से फाइनाइट, और एग्जाम्पल इसलिए लिया कि जो फाइ है, जो इज नॉन सेट एम्प्टी सेट है, वो भी एक तरीके का फाइनाइट. दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई नेचुरल नंबर होने चाहिए, एक नंबर मिलना चाहिए कि इसमें सॉरी नेचुरल नंबर हो, या तो एक नंबर्स होना चाहिए कि मेरे पास इतने नंबर्स है वो फाइनाइट सेट कहे जाएगा और बाकी के जो है सो इनफाइनाइट सेट कहे जाएंगे. ओके, और जनरली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट मीन्स उसको रिप्रेजेंटेशन भी मैं दिखाता हूं और उसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन. वी डू वन थिंग, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का मैं यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन लिख रहा हूँ, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वही मैं लिख रहा हूँ. ओके, एंड एम्प्टी सेट ऑफ द सेट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. ओके, नाउ यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, उससे क्या मतलब, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, दैट इज डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट पजेसेस. किसी भी सेट में जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के नंबर्स, दैट विल बी कॉल्ड अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स. हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट मीन्स अ सेट consist of the number of this
distinct elements. The number of elements of a set means a set consists of number of distinct elements. Okay, जो distinct element के numbers है वो number of है. If four set A, number of elements of set R denoted by n of A. Okay, that means n of A, that means set A में कितने elements है वो कहा जाएगा. अगर कोई एक सेट हमने लिया है ओके तो उसके एलिमेंट्स को इस तरह से नोटेशन से हम रिप्रेजेंट करेंगे. इसके अलावा यहाँ पे अब देख लेते हैं, यहाँ पे n ऑफ A यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे n ऑफ B दैट इज यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे n ऑफ C दैट मीन C यहाँ पे एक ही होगा, लेट मीन दैट मस्ट बी सम फिगर सम वैल्यू. ओके, क्योंकि Z इज द पॉपुलेशन ऑफ मेल पर्सन इन इंडिया, इंडिया में कितने मेल है उसकी पॉपुलेशन, वो एक ही नंबर मिलेगा. इन टर्म्स ऑफ करोड़ होगा, बड़ा नंबर होगा लेकिन वो एक ही नंबर होगा. एक्चुअली एन ऑफ सी विल बी वन, दैट विल बी मस्ट बी अ वेरी बिग नंबर. और यहाँ पे ये इसके हम कह नहीं पाएंगे, इट्स इनफाइनाइट सेट, उसके नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे. सो दीज आर द थिंग्स. और यहाँ पे और एक चीज हम मैं और मेंशन करना चाहूंगा, जो हम नंबर सेट्स पढ़ते हैं दैट इज सिंबोलिकली एन जेड क्यू आर, All these numbers are infinite set. क्योंकि उसमें just infinite numbers of elements होते हैं. और एक चीज ये भी है जो हमने आगे notation use भी किया है, infinite set के सब elements represent करना possible नहीं होता है. तो initial कुछ numbers represent करने के बाद comma करके तीन dot, यहाँ पे you must remember three dots is a convention, थ्री डॉट से हम एक्सटेंड करेंगे तो बाकी के नंबर अंदर आ गए, इस तरह से हम लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूं, ये जो दो चीजें हैं वो हमको ध्यान रखनी है. ऑल नंबर सेट्स लाइक एन जेड क्यू आर इनफाइनाइट सेट्स. एन सेकेंड थिंग, इन इनफाइनाइट सेट ऑल द एलिमेंट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस. सो टू रिप्रेजेंट सच सेट्स वी राइट सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट एंड आफ्टर दैट वी पुट थ्री डॉट्स टू इंडिकेट दैट इट कैरीज ऑन. लेट मीन्स वो नंबर्स आगे बढ़ रहे वो उसका मतलब निकलता है. सो वो इन्फिनिट सेट का रिप्रेजेंटेशन रहता है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. आप ये चीज लिख लो, एक स्मॉल एग्जांपल है, फाइनाइट है कि इन्फिनिट सेट है वो हमको करना है, उसके बाद दूसरी चीज हम आगे बढ़ते हैं. ओके, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इन्फिनिट. ओके, जस्ट हमने लर्न किया उसके हिसाब से, एन एम्प्टी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट आर नॉन, दैट मीन्स सेट में कितने एलिमेंट्स है दैट वी आर नॉन, इट इज नॉन, देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज वो इनफाइनाइट होगा. दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे दैट वी कैन नॉट जज, दैट मीन्स वो इनफाइनाइट में नहीं होंगे, वो इनफाइनाइट सेट कहा जाएगा. यहाँ पे देखते हैं तो यस एक्स वेर ये सेट, इट इज अ सेट ऑफ एक्स वेर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब हुआ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हुई वैल्यूज जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के सेट में है वो सारे एक्स का ये सेट है. लेट अस सी, हम यहाँ पे ये
रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि नहीं। यहाँ पे हमारे पास है ये एक्स माइनस वन, यस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए एक्स की वैल्यू जो नेचुरल नंबर है वो इस सेट का मेंबर होगा। ओके यहाँ पे एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यस हमको पता है ये फैक्टर्स है, सो हियर वी कैन राइट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू टू। नाउ एक्स इज इक्वल टू वन और टू दोनों नेचुरल नंबर है कि नहीं, तो ये दोनों नेचुरल नंबर है, ये दोनों इस सेट के मेंबर्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे। ओके देयरफॉर यहाँ पे यस हियर वन टू बोथ बिलोंग्स टू एन, देयरफॉर यहाँ पे सेट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स वन एंड टू, दैट मीन्स इस सेट के कितने एलिमेंट्स है टू, दैट वी आर नोइंग इसमें दो एलिमेंट्स है, सो इट्स अ फाइनाइट सेट। हमको मेंशन करना है फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो यस जिस एलिमेंट्स जिस सेट में नंबर्स नॉन होंगे कि यस वी नो द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स दिस मेनी नंबर्स आर दिस सेट कंटेन्स दिस मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सो इट्स अ फाइनाइट। ओके सो में नेक्स्ट है यस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। ओके दैट मीन्स यहाँ पे यही तरीका है लेकिन यहाँ पे इक्वेशन चेंज हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर को सेटिस्फाई करते हुए नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज वो हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर है, यस यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं एक्स फाइंड करना है, तो एक्स फाइंड करना अगर हमको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हम एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस टू होगा। नाउ यहाँ पे क्या होगा एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस क्योंकि दोनों का स्क्वायर फोर है, बट एक्स शुड बी बिलोंग्स टू एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, यस नेचुरल नंबर कौन सा है सिर्फ प्लस टू, बट माइनस टू इज नॉट अ नेचुरल नंबर, therefore यहाँ पे जो सेट होगा उसमें सिर्फ आएगा टू। ओके एक्स की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और वो नेचुरल नंबर है, यस यहाँ पे अगर आप उन्होंने लिखा रहे यहाँ पे लिखा रहेगा एक्स बिलोंग्स टू जेड ऐसा लिखा रहता दैट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स तो हम दोनों वैल्यू कंसिडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू एन लिखा है तो यस नेचुरल नंबर की यस ये सारी चीजें भी क्लियर करने के लिए ये मैं सेट ये सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये कंडीशन चेंज होंगी उसके हिसाब से सेट के एलिमेंट्स भी चेंज होंगे, यहाँ पे x बिलोंग्स टू n है यहाँ पे इस सेट का एलिमेंट सिर्फ 2 है, बट यही चीज यहाँ पे अगर x बिलोंग्स टू z कर दिया होता तो दैट मीन्स वो इंटीजर्स हो गए, तो इंटीजर्स दैट मीन्स प्लस और माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव और 0 ऑल इंक्लूडेड, उसमें से यस प्लस और माइनस 2 दोनों वैल्यूज उसमें आती तो फिर वहां पे माइनस 2 और 2 वो दोनों इस सेट के एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे सेट दैट मीन्स यहाँ पे इस सेट के एलिमेंट ए के दैट वी आर नोइंग तो इट्स अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट हम देखते हैं ठीक है हियर सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हुई एक्स की ऐसी वैल्यू कि जो नेचुरल नंबर है वो इस सेट का एलिमेंट होगा, तो यहां पे 2x minus 1 is equals to 0 इसके ऊपर से x की वैल्यू फाइंड करनी है, therefore 2x is equals to 1 2 को इस तरफ लाऊंगा तो x is equals to 1 by 2 that means इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ रहा है x is equals to 1 by 2 तो x is equals to 1 by 2 आ रहा है, तो 1 by 2 is a natural number it is not a natural number so which does not belongs to n, दैट मीन्स यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हुई ऐसी एक्स की कोई नेचुरल नंबर की वैल्यू नहीं मिलेगी, दैट मीन्स ये सेट हमारे पास होगा नल सेट, हियर सेट इज एम्प्टी सेट एंड वी नो दैट एम्प्टी सेट होगा दैट मीन्स एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो, दैट मीन्स वी आर नोइंग इसमें जीरो एलिमेंट है,
So it's a finite set. एम्प्टी सेट रहेगा या तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स नॉन होंगे, कितने एलिमेंट्स सेट में है वो दोनों फाइनाइट में कंसिडर किए जाएंगे. ओके, और यहां पे भी एक चीज ये भी बता दूं, यहां पे x बिलोंग्स टू n लिया, इसकी जगह पे x बिलोंग्स टू z लेते तो भी ये नल सेट ही बनता, एम्प्टी सेट ही बनता. हा, यहां पे x बिलोंग्स टू q होता या तो x बिलोंग्स टू r होता, तो यस ये 1 बाय 2 इज अ रैशनल नंबर, तो वो q में भी आएगा और R में भी आएगा, तो तब सेट में एक एलिमेंट 1 बाय 2 आ सकता था. सो यहाँ पे यू मस्ट टेक केयर अबाउट दिस थिंग्स ऑल्सो, ये जो मेंशन की होती है ये हमको ध्यान रखना होता है. अकॉर्डिंगली सेट्स के एलिमेंट चेंज होते जाएंगे, यहाँ पे x बिलोंग्स टू n या x बिलोंग्स टू z होगा तो वो एम्प्टी सेट बनेगा, बट अगर x बिलोंग्स टू q या x बिलोंग्स टू r होता तो वो सिंगल टर्म सेट, दैट मीन्स उसमें एक एलिमेंट आता, इट इज एक्स इक्वल टू 1 बाय 2. ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज प्राइम. ओके, यहां पे एक्स वो सारे नेचुरल नंबर्स है, लेकिन कैसे नेचुरल नंबर्स है, प्राइम नंबर, तो यहां पे प्राइम नंबर्स, सो हियर दैट विल बी मेनी, इनफाइनाइट मेनी. इस सेट को अगर लिखना रहेगा प्राइम नंबर्स को, यस नेचुरल प्राइम नंबर्स, ये इसका सिंपल मीनिंग हुआ नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल प्राइम नंबर्स. सो नेचुरल प्राइम नंबर्स दैट मींस 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इट विल गो लाइक, यहां पे एंडलेस हमको लिस्ट मिलेगी. So therefore, set is infinite. It's an infinite set. Okay. उसी तरह से लास्ट वाला एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं. ये सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to n and x is odd. Okay. यहां पे इसका मतलब नेचुरल नंबर की जो odd है वैसे odd नेचुरल नंबर्स का सेट है, मीन्स सारे ऑड नेचुरल नंबर्स, सारे ऑड नेचुरल नंबर्स है तो इसमें यस वी ऑब्वियसली नो दैट देयर विल बी मेनी, दैट इज काउंटलेस होगा. ओके, यहाँ पे इस सेट का अगर रिप्रेजेंटेशन करना है तो यहाँ पे एक्स इज एन ऑड एंड इट्स अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल के ऑड नंबर्स दैट मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 विल गो ऑन, सो इट्स अ इनफाइनाइट सेट. ये चीज हो गई. ओके, हाँ, यहाँ पे अगर आपने उन्होंने अगर कंडीशन रखा होता, यस मैं यस नीचे ये दिख रहा हूं, यहाँ पे इस तरह से होता एक्स एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स लेस देन 20 एंड एक्स इज ऑन, इस तरह का ये कंडीशन उन्होंने ऐड कर दी. यस वी नो दैट, फिर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाते 19 तक, उससे आगे हमको जाना नहीं है, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा. सो ये चीज फाइनाइट और इनफाइनाइट का ये डिफरेंस हमको समझना जरूरी है. ऊपर वाला इनफाइनाइट है लेकिन यहां पे मैंने जस्ट एक की कंडीशन ऐड की, ऐसे 20 से छोटे और नेचुरल नंबर्स, यस 20 से कम जो है वो ऑड नेचुरल नंबर्स, ये सारे नेचुरल नंबर्स हमको यहाँ पे मेंशन करने हैं, ये चीज है, तो इस तरीके से ये चीज हम ध्यान रखेंगे. ओके, तो यहाँ पे हमको जस्ट 1 to 19 तक के जो भी ऑड नंबर्स है वो मेंशन करेंगे, उसके आगे वो लिस्ट बढ़ेगी नहीं. सो वी नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, सो वो फाइनाइट सेट बनेगा. सेम यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे लेस देन 20 या वट एवर लेस देन 40 कोई भी आप नंबर लिखोगे, उससे कम लेस देन 500 इस तरह से भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हमको. यस कितने नंबर्स होंगे वो नंबर्स हमें पता चलेंगे और वो फाइनाइट सेट हो जाएगा, लेकिन और कोई कंडीशन है नहीं तो वो इनफाइनाइट सेट है, ये चीज समझनी. ओके, तो जस्ट ये लिख लीजिए, आज मैं यहीं तक रखता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे इक्वल सेट्स वगैरह, इक्वल सेट्स सबसेट्स वगैरह, ये सारी चीजें हमको लर्न करनी है, वो आगे पढ़ते हुए जाएंगे और आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो आज का लेक्चर में यहीं पे फिनिश करना.